हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, इस Realme Buds Q2 S का जो है हमने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो के बाद में जो आप उसे चेकआउट कर लेना। दोस्तों, आज का वीडियो जो है इस टॉपिक पे होने वाला है कि अगर आपका Q2 S जो है आपके मोबाइल के साथ में कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, कोई भी जैसे एक पैर काम कर रहा है एक पैर काम नहीं कर रहा, तो इसको आप रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो रीसेट का दोस्तों एक सिंपल सा तरीका, आपको सिंपली इसको केस में रखना है, चार्जिंग फुल करना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि ग्रीन लाइट आ रही है, ग्रीन लाइट आने के बाद में इसको ओपन करना है और इसको जो है कुछ सेकंड के लिए जो है यहाँ पर प्रेस करके रखना है। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो दोस्तों इसमें जो है आपको लाइट ब्लिंक करेगी और ये जो है आपका रीसेट हो जाएगा। देख पा रहे हैं लाइट ब्लिंक कर चुकी है, इसका मतलब यह रीसेट हो चुका है। उसके बाद में सिंपली आपको इसे छोड़ देना है और दोस्तों दोबारा से जो है आपको इसे ओपन करना है। तो अब दोस्तों यह तैयार है आपके मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए। और सिंपली दोस्तों आपको जो है ब्लूटूथ में जाकर के मोबाइल के अंदर आपको Realme Buds सर्च करना है, मतलब तो Realme Buds के ऊपर आ जाएगा, उससे जो है सिंपली आपको इसे कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा, उसको जो है अलाउ करके पेयर कर दीजिए। तो अलाउ करके पेयर करेंगे जैसे ही, तो यह ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों फिर भी आपको कनेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।